Good morning, dear children. As you know that this is your English class, and today we are going to read chapter 12. Through this video, we will learn about present tense. As we know that present means vartman and tense means kal. Okay, so let's learn what are tenses. Tenses basically tells us when an action was done. Tenses basically हमें क्या बताते हैं कि कोई कार्य कब हुआ, when it is done कब होता है, and when it will be done और ये कब होगा. क्या बताते हैं, कौन सा कार्य कब हुआ, कब हो रहा है और कब होगा. If the action is done in the present, अगर कोई action present में होता है, in present, it is in the present tense, तब इसको हम क्या बोलेंगे, वर्तमान काल, present tense. जैसे कि मोहन studies daily, मोहन daily study करता है, मोहन इज स्टडिंग, मोहन पढ़ रहा है. सो दीज सेंटेंसेस आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट टेंस. इफ द एक्शन वॉज डन इन द पास्ट और द एक्शन हैज़ ऑलरेडी बीन डन, इट इज़ इन द पास्ट टेंस. अगर कोई एक्शन पास्ट में हुआ है या फिर ऑलरेडी हो चुका है तो ये हमारा पास्ट टेंस में आएगा. फॉर एग्जाम्पल, मोहन स्टडीड, मोहन ने पढ़ा. If the action will be done in future, अगर कोई action future में होता है, it is in future tense. तो ये किस में आएगा, future tense में आएगा. For example, Mohan will study, Mohan पढ़ेगा. Okay, we can say like this, we are reading chapter 12. हम chapter 12 पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है, अभी हम पढ़ रहे हैं, it is present tense. कौन सा tense है, ये प्रेजेंट टेंस है. ओके, नाउ आई एम सेइंग दैट आई विल स्टडी चैप्टर 12, मैं चैप्टर 12 पढ़ूंगी. इट विल बी फ्यूचर, ए फ्यूचर टेंस हो जाएगा कि मैं चैप्टर 12 पढ़ूंगी. गा लगा रही हूँ, इट मीन्स मैं फ्यूचर में पढ़ूंगी, पढ़ नहीं रही हूँ. नाउ आई एम सेइंग आई रीड चैप्टर 12, मैंने चैप्टर 12 को पढ़ा. तो ए क्या हो गया, फास्ट, क्योंकि मैं पढ़ चुकी हूँ, इट मीन्स ए फास्ट. दीज आर द थ्री एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. नाउ लेट्स लर्न अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस टेल्स अस अबाउट द एक्शन व्हिच इज डन ऑन अ रेगुलर बेसिस. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, देखिए टेंसेस होते हैं थ्री और उनके पार्ट्स होते हैं फोर. एक तो सिंपल प्रेजेंट होता है, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस. सो हियर वी आर रीडिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस. ओके, और वी कैन से प्रेजेंट इनडेफिनिट. प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस टेल्स अस अबाउट द एक्शन व्हिच इज डन ऑन अ रेगुलर बेसिस. इट इज आल्सो यूज्ड विद यूनिवर्सल ट्रुथ एंड हैबिचुअल एक्शन. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमें बताता है एक्शन के बारे में विच इज़ डन, जो कि हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं. ओके, इट इज़ आल्सो यूज्ड विद, जैसे कि कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है, जैसे कि पृथ्वी गोल है, तो अर्थ इज राउंड, वी विल से अर्थ इज राउंड. और जितने भी यूनिवर्सल ट्रुथ्स हैं और हैबिचुअल एक्शन, वो सब प्रेजेंट टेंस में आते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यूनिवर्सल ट्रुथ्स आर द सनराइज इन द ईस्ट, इट इज़ एन यूनिवर्सल ट्रुथ. The earth moves around the sun. Examples of habitual action, I go for a walk daily. Rohit plays in the evening. The exercise, they exercise daily. वे daily exercise करते हैं. Rohit evening में खेलता है. I go for a walk daily. मैं daily walk के लिए जाता हूँ. These are the examples of present indefinite tense. Positive, we can say affirmative. Subject, बी वन मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मीन्स बेस फॉर्म ऑफ दी वर्ब. ओके, प्लस एस या ई एस, अगर सिंगुलर है तो हम एस या ई एस का यूज़ करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, सिंगुलर नाउंस, ही शी इट के साथ हम जो फर्स्ट फॉर्म होती है गो. ओके, बेस फॉर्म इज गो, इसमें क्या ऐड कर देंगे, ई एस, गोज. प्ले, और इसमें ऐड कर देंगे हम एस, क्या हो जाएगा, प्लेज. ओके,
He goes to the market. She goes to the market. He plays with a ball. It plays with a ball. Like this. Plural nouns be they. Be they के साथ अगर कोई plural noun है और be है या फिर they है तो हम उसके साथ verb की first form use करेंगे. Only s और es को use नहीं करेंगे. Okay? I और you के साथ भी first form का use होता. Only base form का use होता. I go to the market. We don't say I goes to the market. It is incorrect. Okay? हम हमेशा बोलते हैं I go to the market. Now look at the following sentences. Rahul goes to school on foot. Rahul school कैसे जाता है? पैदल जाता है. The sun rises in the east. It is fact and it is routine action. The first sentence tells us about habit or action based on daily routine. And the second sentence tells us about a fact which never changes its direction. क्योंकि सूर्य जो है हमेशा ईस्ट से ही राइज होता है और वेस्ट में ही सेट होता है. ओके. इन शॉर्ट यू कैन से दैट प्रेजेंट इनडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट टेंस टेल्स अस अबाउट द डेली हैपनिंग्स. अगर हम शॉर्ट में कहना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, ये हमें डेली जो हमारी लाइफ में चीज़ें होती हैं या डेली जो हम करते हैं उन चीज़ों के बारे में हमें बताता है. बी यूज डज विद ही शी इट और एनी सिंगुलर नेम. हम डज का यूज़ सिंगुलर नाउन्स ही शी इट के लिए करते हैं. ओके. सब्जेक्ट निगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? सब्जेक्ट आएगा प्लस डू या डस का यूज़ करना होगा हमें. आफ्टर दैट नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट. और जब हम देखिए जब हम डस का यूज़ करते हैं उसके बाद हम जो वर्ब होती है जैसे कि रॉबर्ट डज नॉट गो टू द पार्क. हियर वी डिडंट ऐड es to goes. goes में हमने es add नहीं किया है क्योंकि ये जो does है इसमें es already लगा हुआ है. that's why we are not going to use es in go. ठीक है, हम go में es को add नहीं करेंगे. अगर does है तो verb की first form में ऐसा es लगाने की ज़रूरत नहीं है. understood? Sammy does not eat junk food. We do not play indoor games. We cannot write. Ram does not go to school because we have already used es with does. Thus, we could write go instead of goes. Okay. Now, in the next part of the video, we will do book exercise of this chapter.